4000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट हमारे ग्रह के चारों ओर मंडरा रहे हैं। हमारा जीवन उन पर पूरी तरह से निर्भर है। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ी गर्ल में। मैं रश्मि रावत। तो कैसे हो आप सभी लोग? सो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिन में तारे दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दिन में तारे, दिल्ली में तो रात को तारे देखने को नहीं मिलते, तो दिन में कैसे दिखेंगे? तो जी हाँ, मैं आपको दिन में तारे दिखाने वाली हूँ। और हमें दिन में तारे देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा नेहरू तारामंडल, जो कि दिल्ली के गोल चक्कर, तीन मूर्ति गोल चक्कर के सामने है। तो आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, आप वीडियो में बने रहें। और जो भी इसकी टिकट प्राइस होगी मैं आपको बता दूंगी। तो चलते हैं और वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा नहीं देखते तो थोड़ा दिल उदास सा हो जाता है मेरा। आप पूरा देखा करो और ढेर सारे कमेंट किया करो और अपना ढेर सारा प्यार हमें दिया करो, जैसे आप अभी तक देते आए हो। तो चलते हैं आप और वीडियो में बने रहें। तो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं नेहरू तारामंडल। तो हमने पार्किंग अपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगा दी है। आप जब भी यहां पर आएँ तो आप अपने पास अपनी एक आईडी लेके आएँ। गेट में वो आईडी दिखाते हैं, फिर एंटर करने देते हैं और पार्किंग आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय में मिलेगी। जब यहां पर फुल हो जाती है तब आपको नेहरू तारामंडल में मिलेगी। तो हमने यहां पर लगा लिया है, अब हम आगे चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं नेहरू तारामंडल। तो यहाँ पर शो चलते हैं, वो दो डी में चलते हैं, 2D और 3D में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, टाइमिंग जो है यहाँ पर, जो 2D की टाइमिंग है वो 11 बजे से 5 बजे तक है और टिकट प्राइस ये है। और जो 3D में है वो भी 12 बजे से 6 बजे तक है और उसके टिकट प्राइस ये है। देख रहे होंगे कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। मेरे हस्बैंड और मम्मी लाइन पे लग चुके हैं और यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर। यहाँ पर टिकट काउंटर है, हमने ऑनलाइन कर ली थी, तो अब हम चलते हैं। सो गाइस, हम जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं, ये इनका एंट्रेंस है। और यहाँ से हमें जब सीधा राइट साइड को देखते हैं तो हमें दिखता है अंतरिक्षा मास्टर प्रोजेक्टर, जो कि कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये म्यूज़ियम है। और यहाँ पर पूरे जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अब हमारे सामने है जो स्पेस सूट है, वो है रवीश मल्होत्रा का यहाँ पर। और ये यहाँ पर कुछ फोटो शूट करने के लिए बनाया हुआ है, तो हम भी यहाँ पर फोटो शूट करेंगे, मैं और मम्मी। तो लाइन आप देख चुके होंगे, देख रहे होंगे लाइन, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है पीछे। और ये लाइन जो लगी हुई है हमारी, वो है हमारी स्काई थिएटर के देखने के लिए। जो हमारा थिएटर है वो डोम आकार में है। तो अब हम अंदर चलेंगे, देखेंगे कैसा है हमारा एक्सपीरियंस रहेगा, वो हम आपको बाहर आके बताऊंगी। पर अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसकी कुछ झलकियाँ मैं आप लोगों पर ज़रूर दिखाऊंगी। तो बने रहें और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें। हमें मिल चुके हैं 3D ग्लास, तो इसको हम पहनेंगे। ये मम्मी ने पेन भी लिया है। तो मैं एक बार आपको अंदर का दिखाती हूँ। तो गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारा स्काई थिएटर है वो ड्रोम शेप का है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके माध्यम से हम पूरा तारामंडल घूमेंगे और उसको देखने के लिए हमें ये 3D ग्लास मिल चुके हैं। तो इसको पहन के हम देखेंगे। अभी शुरू नहीं हुआ है शो, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो जो भी इसकी झलकियाँ होंगी वो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में बने रहे, वीडियो में आपको ढेर सारा मज़ा आने वाला है, आप इंजॉय करोगे और साथ ही साथ कुछ ज्ञान की चीज़ें भी सीखोगे। तो वीडियो को पूरा देखें और हमें अपना ढेर सारा प्यार दें। 1957 में प्रक्षेपण किया गया था।
एक आज की तारीख में लगभग 4000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स हमारे ग्रह के चारों ओर मंडरा रहे हैं। हमारा जीवन उन पर पूरी तरह से निर्भर है। हाइपर विकिरण क्षेत्रों से सफर कर रहे थे, उन्होंने हमारे सौर मंडल के सबसे दूर तक के बैठने दो वॉयेजर अंतरिक्ष यानों को बाहरी सौर मंडल तक आसानी से पहुंचने का विले कणों से एक वलय भर रहा है, ऐसा अनुमान है। शनि के दो मंगलवार थिएटर से हम लोग आ चुके हैं। हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमें अल्टीमेट यूनिवर्स, न्यू सोलर सिस्टम और अंतरिक्ष यात्रा के बारे में यहाँ पर बताया गया और काफ़ी जो आकाश के रहस्य हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा और जो 3D ग्लास थे उसमें तो फाड़ू था फाड़ू, मतलब ऐसा लग रहा था कि सीधा हमारी आँखों में गिरने वाला है। जो बहुत इंजॉय किया हमने। शायद आपको फ़ोन में वो एक्सपीरियंस ना हो तो आप, मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप यहाँ पर आकर ज़रूर ये चीज़ें देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पर आकर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मम्मी से पूछते हैं और मेरे हस्बैंड से भी पूछेंगे कि उनको कैसा लगा। तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कुछ पूछ रहे उनसे। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ऐसे लग रहा था कि आसमान में ही है, चांद पे। तो मैंने मम्मी और आज अपनी वाइफ को दिन में तारे दिखा दिए, दिन में पूरे सौर मंडल की शेयर करवा दी मैंने, रोबोट्स वगैरह से भी मिलवा दिया। सब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी लोग जा चुके होंगे, काफ़ी लोग नहीं गए होंगे। जो नहीं आ गए हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो आए और अपनी फैमिली के साथ आए, अगर उनके बच्चे हैं तो, और अगर जो आ चुके हैं वो भी दोबारा आए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा, अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दोबारा आए तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। तो इसी के साथ मैं मिलूंगी आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।